आशा ज्योति विद्यापीठ में चल रहे 3 दिवसीय राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप के कार्यक्रम में आज दूसरे दिन बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे बल्लभगढ़ के SDM त्रिलोकचंद ने कहा कि फरीदाबाद के लिए गौरव की बात है कि यहां इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योग प्राचीन पद्धति है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अपनी मनोवृत्तियों पर काबू पाने के लिए योग दर्शन जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारत ने इसको पहुंचाकर एक बड़ा काम किया है। इसके साथ ही साथ आज के वक्त में इसकी जरूरत को बताते हुए कहा कि भागदौड़ भरी जिंदगी और लोगों को तनाव से दूर रखने के लिए योग करना अच्छा साधन है। फरीदाबाद जिले के लिए बड़े गर्व की और सौभाग्य की बात है कि हमारे आशा ज्योति विद्यापीठ में 40वें राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप यहाँ पे चल रही है और 3 दिवसीय योगा चैंपियनशिप है। 25, 26 और 27 का इनका समापन है और मैं इनके लिए हमारे चेयरमैन साहब हैं श्री डागर जी, इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और ये हिंदुस्तान की प्राचीन परंपरा है, आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी ये प्राचीन समय में थी, क्योंकि योग दर्शन हिंदुस्तान का वो दर्शन है जिसके माध्यम से हिंदुस्तान ने केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया है कि किस प्रकार से मन पर और इंद्रियों पर काबू किया जाए। और उसके लिए मन और इंद्रियों पर काबू करने के लिए योग दर्शन का सिद्धांत हमारे भारतीय दर्शन में देखने को मिलता है, क्योंकि आज भी उसकी इतनी महत्ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी किन किसी समस्याओं से, मानसिक समस्याओं से ग्रस्त है, उन पर पार पाना है और खुद को जानना है, तो उसके लिए जो हमारा योगासन है, प्राणायाम है, वो बेहद महत्वपूर्ण है।